अगले कुछ मिनटों में आपको भर भर के एनर्जी मिलेगी, पागलपन मिलेगा, नज़ारे मिलेंगे और आंखों को ढेर सारा सुकून तो ज़रूर मिलेगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। दिस इज कुंदन फ्रॉम countingkilometers.com। वी क्रिएट ट्रैवल स्टोरीज अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम माउंटेन्स टू ओशंस, फ्रॉम ट्रैकिंग एंड हाइकिंग टू मोटरसाइकिल राइडिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। सो इफ दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड फॉलोइंग अस ऑन ऑल आवर सोशल हैंडल्स। Alright guys, it is 8th of July and the time right now is just past 6 o'clock, in fact 6:20, and we are all set and ready for another morning walk, sort of. Well, this is a special morning walk, special kyu hai, bataunga. But for now, I found this old backpack here, kahi pe pada tha ghar mein, but see, it's able to accommodate all my camera gears, DSLR, uske do lenses, gimbal, 360 and this गोरिल्ला पॉड, यहीं पे माइक भी बैठ जाता है, एवरीथिंग इज इजीली फिटिंग इन हियर। सो आई एम प्लानिंग टू यूज़ दिस बैग फॉर ऑल माय वन डे ट्रैक्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। लेट्स सी, आज इसको टेस्ट करेंगे, अगर सही से काम करता है तो फिर यहाँ से आगे ट्रैकिंग के लिए एक एकदम सेफ बैग हो जाएगा अपने पास। वेल, इट्स टाइम टू लीव, मिलते हैं बाहर जाके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल, यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। वेल, एज आई सेड, दिस इज अनदर मॉर्निंग वॉक, बट एक स्पेशल मॉर्निंग वॉक बिकॉज वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हियर। और नो, इट्स नॉट अ मॉर्निंग वॉक, इट्स अ वेरी बिग वॉक एंड जॉग एंड रन, या और थोड़ा सा छोटा सा राइड भी, एंड राइड भी करने वाले हैं। मैंने अपने ब्लॉग में बताया राइड नहीं होने वाली है। अरे राइड मतलब 5 किलोमीटर तो जाना है ना यहाँ से। ओके, एनीवेज वी हैव ट्रैकर गर्ल विशाखा टुडे, हु इज नॉट एन एक्सपर्ट, who's gonna trek for the first or second time with the master blaster in trekker. Okay, what's your trekking experience? See, I've been to Jivdani. Okay. I've been to, by the way. I've been to Karnala. Adhai. देखा था मैंने व्लॉग। के साथ मैंने बहुत ट्रैकिंग किया हुआ है। मतलब I've done trekking, but वो प्राइमरी सेक्शन में शायद किया था पापा के साथ, उसके बाद में मैंने कभी नहीं किया। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम विशाखा, ऐश्वर्या इज कमिंग और ईवा भी आज अपने साथ आने वाली है। ईवा का फर्स्ट मॉनसून ट्रैक, इनफैक्ट शी हैज बीन टू ट्रैक्स, लेकिन मॉनसून में एक भी बार उसको लेके नहीं गया था। दिस इज गोना बी हर फर्स्ट टाइम इन द मॉनसून, लेट्स सी हाउ शी डज। ओके सो जस्ट एज लास्ट टाइम, ये भी अपने घर के आजू बाजू में ही है, इट्स जस्ट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस, सो बीच में ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने लायक। वी हैव रीच्ड हियर द बेस ऑफ कोंडाणी केव्स, अभी यहाँ से ट्रैक चालू होता है, दिस साइड वी हैव टू गो, इट्स अराउंड कितने टाइम का ट्रैक बोलूँ मैं, अभी जब मैं अच्छी हालत में था तभी मैंने नॉन स्टॉप ये ट्रैक 22 मिनट्स में किया था। अभी आज अटेम्प्ट भी नहीं करने वाले हैं, मैं नहीं करने वाला हूँ, आप 22 मिनट्स का रिकॉर्ड है, यू वांट टू ब्रेक इट? नो 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 ब्रेकिंग रिकॉर्ड। सो द ट्रैक हैज स्टार्टेड, जल्दी नहीं करना है, आराम से वाटरफॉल्स पे रुकेंगे भी बीच में, एंजॉय करेंगे, बिकॉज आज का पूरा दिन अपने पास है इसी काम के लिए। एस्पेशली आई डिसाइडेड टुडे, आज युवा को मैं बिल्कुल कंधे पे उठाने वाला नहीं हूँ, उसको पूरा ट्रैक चल के चढ़ाने वाला हूँ। सो विश हर बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। वैसे तो कुंडाणे केव्स में कई बार देख चुका हूँ, लेकिन आज इस प्यारे से ट्रैक की खूबसूरती आप सबको दिखानी थी। So, आज हम एकदम आराम से इस ट्रेल के मजे लेते हुए चल रहे थे। बाय द वे, दिस सेम रूट कंटिन्यूज टू राजमाची फोर्ट ऑल्सो, सो इफ यू आर प्लानिंग राजमाची फोर्ट ट्रैक फ्रॉम करजत साइड, कुंडाणे केव्स इज राइट ऑन द वे। फाइनली स्टार्टेड टू फील लाइक मॉनसून हैज बिगन, डोंट लुक एट माई स्वेट, क्योंकि ऊपर से धूप है लेकिन नीचे ये सब है। सो इट्स फाइनली मॉनसून टाइम, इर्शालगढ़ मॉनसून का पहला ट्रैक था, लेकिन इर्शालगढ़ में बिल्कुल बारिश भी नहीं थी उस टाइम पे, पानी भी नहीं था, लेकिन पिछले 4 दिनों से बहुत अच्छी बारिश हुई है। सो नाउ इट्स वाटरफॉल्स का टाइम, ये पहला स्ट्रीम है बाय द वे इस ट्रैक में, और एक है जो बहुत बड़ा है, होपफुली वहाँ पे और ज़्यादा पानी रहेगा, उसका भी मजा लेंगे, देखते हैं वो उसमें कितना पानी है। ओनली थिंग दैट इज ट्रबलिंग राइट नाउ इज मॉस्किटोज, बहुत सारे मच्छर है, ओडोमोस की पब्लिसिटी करने का मन हो रहा है मेरा।
ये दो मेजर स्ट्रीम्स क्रॉस करने के बाद एक आखिरी चढ़ान और हम पहुंच गए केव्स के ठीक सामने। डिस्पाइट ऑफ ऑल द टाइम दैट वी स्पेंट एंजॉइंग नेचर एंड कैप्चरिंग इट फॉर यू ऑल, वी रीच्ड हियर इन जस्ट ओवर एन आवर्स टाइम। अब यार आखिरी 100 फुट बचा है सिर्फ, इतना सा। ये सामने केव्स है और इतने के लिए बारिश आ गई है और इतने के लिए सब लोग रेनकोट पहन रहे हैं। ओ नाजुक लोग का सगड़ी क्या? यस यस, 100 फुट के लिए रेनकोट पहन रहे हो, भागते हुए पहुंच जाते ऊपर। This is a treasure more than 2000 years old, symbol of grandeur and a testimony of precise craftsmanship our ancestors excelled at. Ek sabse bada chaitya gruha or a prayer hall you can say, aur char vihar jiske andar har ek vyakti ke liye alag alag room bana hua hai. सबसे आखिर में एक वाटर सिस्टम जो अब तो पूरा मिट्टी में ढका हुआ है, लेकिन ट्राई टू इमेजिन द इंट्रिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग दैट वी इनहेरिट। ऐसे प्लेसेस विजिट करके हमेशा मेरे मन में एक ही सवाल आता है, इफ आर एंसेस्टर्स वर सच मास्टरमाइंड्स, हैव वी रियली इवॉल्वड और एडवांस्ड इन दिस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। By the way, there's also this inscription on one of the walls, which reads in Brahmi Lipi, Kanvasa Antevasina Balakena Katam, literally meaning made by Balakena, the pupil of Kanha. दो हजार साल पुराना हिस्ट्री का नजराना अपने लिए, and it is in such a beautiful preserved state. By the way, अगर इस वीडियो की अब भी आवाज़ कम आ रही है ना, तो ब्लेम ऐश्वर्या, मेरा माइक लेके वो वहाँ नीचे पहुँच चुकी है, उसको घर जाने की जल्दी हो गई है, तो अभी वहाँ पहले नीचे पहुँचता हूँ, उससे माइक लेता हूँ और फिर आगे की बात करते हैं। बाय द टाइम चल के ऊपर से नीचे तक आए, जस्ट दिस 100 फीट वहाँ से यहाँ तक, वापस बारिश आ गई है, सो ऐश्वर्या को गालियाँ नहीं देनी पड़ेंगी, अच्छा किया उसने जो बैग में रख दिया है। वैसे मैं तो ऊपर आते वक्त ऑलरेडी भीग चुका था, सो दिस रेनकोट डजंट रियली मीन टू मी, लेकिन गैजेट्स का बैग है पीठ पे, तो उसको संभालने के लिए अभी रेनकोट पहना हुआ है। वेस वी स्टार्टेड वॉकिंग बैक टूवर्ड्स द बेस, अभी देखते हैं नीचे जाने में कितना टाइम लगता है। ऊपर आने में 1 घंटा लग गया था, इट वॉज एज एक्सपेक्टेड, आराम से एकदम टाइम पास करते करते ब्लॉक करते हुए आए थे, तो 1 घंटा तो लगना ही था। वापस उतर जाएंगे 30-45 मिनट्स में आराम से। वापस निकलते वक्त जो बारिश शुरू हुई थी वो तो घर पहुंचने तक नहीं रुकी, बट आई डिसाइडेड व्हाइल गोइंग अप ओनली, वापस आते वक्त इस वाटरफॉल में एटलीस्ट 1 मिनट के लिए तो जरूर जाऊंगा, अदरवाइज इस साल मॉनसून का फील आया ही नहीं था ना अभी तक। ऑल दिस फन, ऑल दिस जॉय,
dose of energy and positivity for at least next few days. That's what we took back from this trip. Well, it's time to say goodbye. Take care and stay safe. Keep counting kilometers. By the way, don't forget to like, comment and share this video. Do subscribe to our channel and also to Ride a Girl Vishakha. Aur haan, abhi ye video khatam nahi hua hai. We are back near the bikes. You see, और इस ट्रैक की सबसे बड़ी अचीवमेंट इज ईवा. पूरे ट्रैक में उसको एक भी बार उठाना नहीं पड़ा गोद में, ना ऊपर जाते वक्त ना नीचे आते वक्त. एंटायर ट्रैक शी डिड इट ऑन हरसेल्फ. इससे पहले 3-4 बार ट्रैक पे लेके तो गया हूँ उसको, लेकिन हर बार उसको कंधे पे बिठा के लेके गया था. सो उसकी ज़िंदगी का ये पहला ट्रैक था एंड शी हैज़ डन इट ब्यूटिफुली.